सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम इतिहास में बात कर रहे थे अकबर की। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि अकबर के द्वारा जो राजपूत नीति अपनाई गई और जो धार्मिक नीति अपनाई गई उसके संदर्भ में हम जानेंगे कि अकबर ने किस तरीके से राजपूत नीति और अपनी धार्मिक नीतियों के अनुसार साम्राज्य विस्तार के रूप में ये दोनों नीतियां एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की। और साथ ही हम ये जानेंगे कि जो ये राजपूत नीति रही उसकी ये राजपूत नीति उसके जीवन की एक सफल नीतियों में से थी और इस नीति का लाभ उसे क्या उसकी पीढ़ियों को भी प्राप्त हुआ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण विजय की गई थी यानी कि उत्तर की विजय और दक्षिण की विजय के संदर्भ में हमने पढ़ा था। अब क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करेंगे राजपूत नीति यानी कि अकबर की नीति के अंतर्गत उसने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। एक तो नीति थी उसकी राजपूत नीति यानी कि उसने राजपूत नीति का अनुसरण किया। दूसरा उसने अनुसरण किया था धार्मिक नीति का। जानेंगे कि ये दोनों नीतियां क्या थी और इन दोनों नीतियों के माध्यम से किस तरीके का साम्राज्य विस्तार का जो उसका एक विजन था और भारत को एक जुट करने का या संगठित करने का और एक विशाल संगठित साम्राज्य स्थापित करने का जो एक लक्ष्य था वो किस तरीके से पूरित हुआ। अब बात करें सबसे पहले जो अकबर है, अकबर बुद्धिमान है, दूरदर्शी है और जो उसके पूर्वज उसके लिए करके गए थे वो उनसे बहुत सीख लेता है और उनका अनुसरण करता है अपने काल में। अकबर क्या करता है, शुरू में ही समझ जाता है कि यदि हिंदुओं को अपने पक्ष में नहीं किया गया, या तो एक तरीका हो सकता है हिंदुओं को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए, नहीं तो हिंदुओं को क्या कर लिया जाए, अपना मित्र बना लिया जाए। अब इसी के क्रम में अकबर ये जानता था कि अगर अपना राज्य अधिकार को सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अपना मित्र बनाना बहुत जरूरी है और हिंदुओं में भी विशेष रूप से मित्र बनाना जरूरी है राजपूतों को। अगर वो राजपूतों को अपना मित्र नहीं बनाता तो जैसा बाबर के साथ हुआ, बाबर को अपने जीवन काल में संघर्ष करते रहना पड़ा इनसे राजपूतों से, जैसे उसके हुमायूं के साथ हुआ, हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा या हुमायूं को इनके साथ संघर्ष करना पड़ा, तो ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि राजपूतों ने ना तो बाबर का सहयोग किया था और ना ही हुमायूं का सहयोग किया था। तो ये बात ये समझ गया था कि जो भूल इसके पिता ने और इसके दादा ने की है वो ये भूल नहीं करेगा और वो इस भूल से बल्कि सीखेगा और जो राजपूत हैं उन्हें अपना मित्र बनाएगा। उसके बहुत सारे सैनिक दल हैं जो अपनी बात के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय है वो राजपूत भी हैं, वीर हैं, बलिष्ठ हैं, बात के पक्के हैं, इसलिए राजपूतों को उम्र भर शत्रुता तो नहीं की जा सकती, तो इसलिए इनको क्या बना लिया जाए, मित्र बना लिया जाए। सबसे पहले राजपूत नीति के अंतर्गत हम बात करेंगे अकबर के स्वयं के स्वभाव की, क्योंकि अगर अकबर राजपूतों को अपना मित्र बनाना चाहता है तो उसको मित्र बनाने के पीछे एक मुख्य कारण अकबर का स्वयं का स्वभाव है। क्योंकि अकबर जन्म से हिंदुओं के प्रति आदर का भाव रखता है, उनके साथ सहिष्णुता का व्यवहार करता है। कारण ये है कि जिस समय हुमायूं बहुत परेशानियों में घिरा हुआ था तो उस समय अमरकोट के राजा थे, उन्होंने वीर साल यानी कि उन्होंने हुमायूं को अपने यहाँ शरण दी थी और वीर साल के यहाँ ही इसका, वीर साल का जो दुर्ग था उसी दुर्ग में इसका अकबर का जन्म हुआ था। तो इन बातों ने अकबर पर जन्म से ही बहुत प्रभाव डाला और वीर साल एक राजपूत था ही, तो यहां से उसके राजपूतों के प्रति दृष्टिकोण बचपन से ही परिवर्तित था और राजपूतों के साथ बड़ा उदारता का व्यवहार करता था। अब बात करें इसी क्रम में दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, अकबर एक शासक है, विशाल साम्राज्य का
देखरेख करता है और साम्राज्य विस्तार उसे चाहिए, तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उसे वीर सैनिक की आवश्यकता है या वीर सैनिकों की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकता था राजपूतों से। ठीक, अब कैसे कर सकता था? उधर दिल्ली का जो पहले सुल्तान रहे हैं उन्होंने उत्तर पश्चिम के सीमांत क्षेत्रों से सैनिकों की प्राप्ति की, ठीक है, लेकिन अकबर को यह आशा नहीं थी कि उस ओर से उसे सैनिकों की प्राप्ति अब भी होगी। वो क्या चाहता था कि उसे अगर साम्राज्य स्थापित करना है, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है, तो उसे युद्ध कर्मियों की जरूरत है, जो लगातार युद्ध में संलग्न रह सके उनकी जरूरत है, यानी कि युद्ध कर्मी वर्ग की जरूरत है। और राजपूतों के विषय में उसने बचपन से ही सुन रखा था कि राजपूत वीर जाति है और बहुत बलिष्ठ है, तो वीरता से युद्ध करते हैं, तो इसलिए इसने सोचा क्यों ना राजपूतों को मित्र बनाया जाए। तो इसने यहां से विचार उत्पन्न होता है कि राजपूतों की वीरता को देखकर, राजपूतों के साहस को, उनके पौरुष को देखकर ये उन्हें अपना मित्र बनाना चाहता है। तीसरा, अगर हम बात करें कि जो राजपूत हैं, स्वयं राजपूतों का व्यवहार, राजपूतों के व्यवहार के अंतर्गत जैसे हमने कहा कि राजपूत वीर हैं, उनमें पौरुष पराक्रम बहुत भरा हुआ है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर इनसे युद्ध किया जाए तो ये अपने साहस के बल पर युद्ध जीत लेते हैं, यानी कि इन्हें युद्ध में पहरा पाना असंभव है। अब राजपूत क्या है? बलिष्ठ है। उसने सोचा अकबर ने कि अगर मैं इन्हें अपना मित्र नहीं बनाता हूं तो उम्र भर जैसे मेरे पूर्वजों को इनसे युद्ध करते रहना पड़ा, मैं भी उम्र भर इनसे युद्ध करते ही रह जाऊंगा। तो उसने क्या किया, क्योंकि इन्हें युद्ध में पराजित करना आसान नहीं है, दूसरा ये अपनी बात के बहुत पक्के हैं, वो सोचता था कि अगर राजपूतों को अपने हक में कर लिया जाएगा तो ये विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि जुबान के पक्के लोग हैं और विश्वासघात इनके स्वभाव में नहीं है, इनके खून में ही नहीं है। तो इन गुणों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, जो राजपूतों के गुण थे, उनकी निष्ठा के गुण थे, उनके स्वामी भक्ति के गुण थे, उनके पौरुष के गुण थे, उनके पराक्रम के गुण थे, तो इन गुणों ने भी उसको इस ओर आकृष्ट किया और उसके मन में विचार मजबूत होता चला गया कि राजपूतों को अपना मित्र बनाया जाए। अगले क्रम की अगर हम बात करें तो अफगानों से हमेशा भय बना रहता था इसे अकबर को, ठीक है। अफगानों का पूरे तरीके से दमन तो हुआ नहीं था, क्योंकि वो बार बार अभी भी क्या कर ले रहे थे, उधर बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा है, तो इन क्षेत्रों पे बार बार अपना अधिकार जमाए हुए थे और लगातार इन क्षेत्रों के माध्यम से ये अफगान अपनी शक्ति को संगठित करने में लगे हुए थे। अब क्या था, अगर अफगान सरदारों का दमन करना है तो ये दमन किया जा सकता है केवल राजपूतों के सहयोग से। तो राजपूतों के सहयोग के माध्यम से यहां पर अफगानों को पूरे तरीके से नष्ट किया जा सकता था, तो इसलिए राजपूत नीति का इसने अनुसरण किया। उधर इसके दरबार में जो अमीर हैं, उनमें जो विदेशी अमीर हैं, वो विदेशी अमीर बहुत ज्यादा सशक्त हो गए हैं, बहुत ज्यादा बलशाली हो गए हैं, या उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये विदेशी अमीरों से उसे हमेशा भय बना रहता था, क्योंकि ये विदेशी अमीरों का दल है, बहुत ज्यादा है, जब इसका प्रभाव बढ़ गया है तो उसे ये डर रहता था कि ये कभी भी उसके अगेंस्ट विद्रोह कर सकते हैं, तो वो इस डर को समाप्त करना चाहता था। और इस डर को समाप्त करने के लिए उसके मन में इच्छा ये आई कि ये विदेशी दल के अगेंस्ट एक ऐसे शक्तिशाली दल की स्थापना की जाए, जो देशी दल हो, जो विपरीत परिस्थितियों में निष्ठापूर्ण तरीके से इन विदेशी दलों का यहाँ पर उन्मूलन कर सके, उनका दमन कर सके। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी इसे राजपूतों की आवश्यकता थी, और इसने क्या किया, इसी काम को करने के लिए, अमीर जो विदेशी अमीर है उनके भय को अपने मन से निकालने के लिए, इसने राजपूतों को उच्च पद प्रदान कर दिए। तो फिर दूसरी चीज, इन्हें अच्छे अच्छे मनसब भी प्रदान कर दिए, और जब इन्हें राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए, मनसब प्रदान किए, एक सम्मानीय स्थिति और उदारतापूर्ण व्यवहार इनके साथ किया, तो राजपूतों की जो निष्ठा है वो निष्ठा इसके प्रति और प्रबल हो जाती है।
ठीक है। और ये अपार शक्ति के तो धनी है, तो विदेशी जानते हैं इनके विषय में, तो ये विदेशी अमीरों का जो दल है वो भी इनसे थोड़ा सा भयभीत होने लगता है। अब बात करें अगले क्रम की, स्वयं राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसा एरिया था जो दिल्ली और आगरा दोनों के पास था। अब ये जरूरी हो गया था कि राजस्थान को इग्नोर तो किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि ये दिल्ली के भी नजदीक है और आगरा के भी नजदीक है। तो उसने ये सोचा कि जो राजपूत हैं उनका पूरे तरीके से उन्मूलन करना तो संभव है ही नहीं, तो क्यों ना एक अपोजिट वे अपनाया जाए और इनको मित्रता के सूत्र में बांध लिया जाए। और वो जानता था अगर ये एक बार मित्र बन जाएंगे तो ये विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी जुबान के पक्के लोग हैं। तो अकबर ने धीरे धीरे क्या किया, जब अपने साम्राज्य विस्तार का जो स्वप्न था उस स्वप्न को पूरा करने के लिए इन्हें मित्रता के सूत्र में बांधना शुरू किया। नहीं तो अगर वो ये काम नहीं करता तो उसे पूरी उम्र राजपूतों से संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि राजपूत आसानी से इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर जब इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की जाती तो जिस वजह से ये इसे पूरे टाइम यहाँ पर इनसे युद्ध करना पड़ता, तो बहुत सारा समय यहाँ पर व्यर्थ हो जाता। अब बात करें, ये तो इसके यहाँ पर जो राजपूत नीति के अंतर्गत जो कारण थे राजपूत नीति अपनाने के वो ये थे। अब इस राजपूत नीति का जब उसने इम्प्लीमेंटेशन किया, यानी कि इस राजपूत नीति का क्रियान्वयन किया, तो क्रियान्वयन किन किन तरीकों से किया। सबसे पहला इसने क्या काम किया, इसने वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाए। इसे लगा कि अगर राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाए तो इस ओर से जो उसके मन में यदा कदा भय आ सकता था वो भय भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इन्हें अपना विश्वस्त मित्र बनाना चाहता था और विश्वस्त मित्र बनाने के लिए जरूरी था कि इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं। तो इसी क्रम में सबसे पहले अगर संबंध की बात करें तो सबसे पहला संबंध जो इसके राजपूतों के साथ यहाँ उल्लेख हम करेंगे वो है आमेर के साथ जो संबंध था। अकबर क्या करता है, हर वर्ष जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, अजमेर की यात्रा करता है। और 1562 की बात है, अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था तो रास्ते में सांगानेर एक जगह पड़ती है, वहां पे इसकी भेंट होती है आमेर के जो राजा है उनसे, यानी कि बिहारी मल से इसकी भेंट होती है। अकबर उनके साथ बहुत शिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है और बिहारी मल इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अकबर के प्रति बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं उसके इस व्यवहार को देखते हुए। और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बिहारी मल अपनी पुत्री जोधा का विवाह अकबर से करने की मांग रख देते हैं, इच्छा प्रकट कर देते हैं। तो अकबर क्या है, इस बात को स्वीकार कर लेता है और अजमेर से जब ये लौटता है और आमेर पहुंचता है तो यहां पर लौटते समय इसका विवाह हो जाता है जोधा भाई से। ठीक है, जोधा भाई से विवाह हो जाता है। और जोधा भाई से विवाह होने के बाद जो एक पुत्र की प्राप्ति होती है उसी का नाम होता है जहांगीर, यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था यहाँ पर जोधा भाई से। अब बात करें, जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि अकबर और जोधा बाई का जो विवाह हुआ था, ये अकबर और जोधा बाई का विवाह भारतीय इतिहास में एक नए युग का प्रतीक था, क्योंकि इसके बाद ऐसी प्रसिद्ध सम्राटों की वंश परंपरा यहाँ पर उत्पन्न हुई जिसने अगली चार पीढ़ियों तक मुगल सम्राटों के समक्ष मतलब एक विशाल साम्राज्य छोड़ा और इस साम्राज्य को अगली चार पीढ़ियों ने संभाल कर रखा। तो बात करें अब अगले क्रम की, आमेर के बाद बात करते हैं हम और जोधपुर और जैसलमेर की। 1570 की बात है, यहां पर विवाह के बाद ये 1570 में जोधपुर और जैसलमेर की जो राजकुमारियां हैं उनके साथ भी विवाह कर लेता है। और 1584 में ये जहांगीर का विवाह कर देता है बिहारी मल, यानी कि भारमल या बिहारी मल, बिहारी मल के पुत्र भगवान दास की पुत्री से। यहां जहांगीर का विवाह हो जाता है भगवान दास की पुत्री से। और मारवाड़ की जो राजकुमारी होती है, मारवाड़ की राजकुमारी से ये स्वयं विवाह कर लेता है।
अब बात करें दूसरे क्रम में क्रियान्वयन किस तरीके से किया गया, तो हमने बात की थी उस बिंदु की पहले ही, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसने राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए। ठीक है, अब इसने क्या काम किया, राजपूत हैं या अन्य हिंदू हैं उन्हें अलग अलग विभागों में उच्च पद ये दे देता है और विश्वसनीय पदों पर रख देता है, अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो। यानी कि इन पर इतना विश्वास करता है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं वो राजपूतों को सौंप दिए जाते हैं। अब जैसे उदाहरण ले लें, आमेर के राजा हैं भारमल, यहां भारमल को पंचहजारी मनसब प्रदान कर दिया जाता है, पंचहजारी मनसब। और इधर भगवान मनसब, इधर भगवान दास है और मान सिंह है, उन्हें सेना में उच्च पद दे दिया जाता है। उधर टोडरमल है, टोडरमल को दीवान ए अशरफ, दीवान ए अशरफ यानी कि भूमि विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और हम जानते हैं टोडरमल के द्वारा जो भूमि सुधार के कार्य किए गए थे वो विश्व में, पूरे इतिहास में, यानी कि भारतीय इतिहास की हम बात करें तो पूरे भारतीय इतिहास में वो उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर भूमि विभाग से यहाँ पर इसका अध्यक्ष बना दिया गया था टोडरमल को, और इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। एक वीडियो में हम भूमि सुधार के विषय में अलग से जान लेंगे, यहाँ संक्षिप्त बात करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर बीरबल की, बीरबल को अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक रत्न का दर्जा प्राप्त था, यानी कि बीरबल नवरत्नों में से एक थे और यहाँ पर सेनापति का भी एक भार इनको सौंपा गया था। अब यहाँ पर अगर बात करें अकबर की स्वयं की सेवा सुरक्षा की, तो अकबर की स्वयं की सेवा सुरक्षा में बहुत सारे हिंदू पदाधिकारी और सैनिक लगे हुए थे। तो इस तरीके से इसने यहाँ पर क्या किया, हिंदुओं को थोड़ा सा आश्वस्त कर दिया और उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। अब बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की, यानी कि जो अकबर की रानियां हैं जैसे जोधाबाई हैं, ऐसी बहुत सारी हिंदू रानियां हैं, उसने क्या काम किया, क्या कर रहे थे हम, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो हिंदू जो भी रानियां हैं या हिंदू अन्य हिंदू भी हैं उनके प्रति इसने संकीर्ण नीति का परिचय नहीं दिया। इसने हिंदुओं को धार्मिक आजादी प्रदान की और जो उसकी हिंदू रानियां हैं उन हिंदू रानियों को भी पूजा पाठ करने की, व्रत करने की या हिंदू रीतियों का अनुसरण करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। साथ ही साथ इसने क्या काम किया था कि जैसे हिंदुओं पर जजिया कर लगा हुआ था, ठीक है, या कोई अन्य तरीके का कोई धार्मिक कर मान लीजिए लगा हुआ था, तो इन धार्मिक करों को भी इसने समाप्त कर दिया था। ठीक, साथ ही यहां पर एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था जो इसके पूर्वजों ने अगेंस्ट किया, इसके पूर्वजों ने बहुत से मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसने क्या काम किया था, मंदिरों को नष्ट करना बंद कर दिया था। अगले क्रम में अगर बात करें यहां पर जो अकबर है, अकबर हिंदू परंपराओं का अनुसरण करने लगता है, परंपराओं का जब ये अनुसरण करता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे जैसे हिंदुओं के त्योहार होते हैं ये इन त्योहारों में सम्मिलित होना शुरू कर देता है। और ये क्या काम करता है, कई बार हिंदुओं की तरह कपड़े पहनता है, माला पहनता है, चंदन का टीका लगाता है, तो इस तरीके के काम करने इसने शुरू कर दिए थे। तो बहुत निकट पहुंच गया था ये हिंदू परंपराओं को, यानी कि हिंदुओं से प्रभावित था। अब बात करें इसकी आक्रमण नीति की, यानी कि कुछ राजपूत ऐसे थे जो अभी भी इसकी जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इसकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो जिन राजपूत राजाओं ने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था उसने उन पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया। जैसे रणथंबोर का जो किला है उसकी हम बात करें या मेरठ है, इनको इसने क्या किया, अपनी आक्रमणात्मक नीति के माध्यम से जीत लिया। और उधर राजा उदय सिंह है, यानी कि राणा उदय सिंह है, राणा उदय सिंह के समय में चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप, जिनके विषय में हमने कल भी पढ़ा था, महाराणा प्रताप के साथ इसका संघर्ष जीवन पर्यंत चलता रहा।
क्योंकि महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी यहाँ पर उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो अगर बात करें कि जिन राजपूत राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उन राजपूत राजाओं के प्रति इसकी नीति सदैव आक्रामक रही और इसने उन्हें नष्ट करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। तो जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी उनके प्रति इसका रवैया बहुत ही उदार था, लेकिन जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की उनके साथ इसका रवैया सदैव ही आक्रामक रहा। अब बात करें यहाँ पर इसके द्वारा क्षमादान या अभयदान कह सकते हैं, इस तरीके की नीति का भी यहाँ पर पालन किया गया। ठीक है, ये नीति के अंतर्गत अगर बिंदु को हम पॉइंट आउट करें, अभयदान या क्षमादान की नीति के अंतर्गत यहाँ पर जैसे चित्तौड़ के पर जब इसका अधिकार हो जाता है, यानी कि चित्तौड़ की जब पराजय होती है, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है, इन राजाओं को लगता है कि जब चित्तौड़ हाथ से चला जोधपुर जब चित्तौड़ हाथ से चला गया है तो हम तो बहुत ही निर्बल हैं, हम कैसे अकबर का सामना करेंगे। तो ये बिना युद्ध किए ही यहाँ पर क्या करते हैं, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और अकबर की जब ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो अकबर इनके साथ वही अपनी उदार नीति का परिचय देता है और उदारता के साथ यहाँ पर इनके साथ व्यवहार करता है। ये क्या करता है, राजपूतों से अच्छे संबंध बने इसलिए ये इन्हें अभयदान दे देता है और अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेता है। अगर पूरे राजस्थान क्षेत्र की अगर हम बात करें, केवल मेवाड़ का क्षेत्र ऐसा था जिसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप से संघर्ष चलता रहा, और इसके अतिरिक्त पूरे राजस्थान पे मुगलों का अधिकार हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि इसने अपने आप को हितैषी दिखाने के लिए बहुत सारे सुधार भी किए थे, तो हम इसके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के विषय में जान लेते हैं क्या क्या सामाजिक सुधार इसके द्वारा किए गए थे। ये क्या करता है, जो हिंदू समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं, इसे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं, तो ये उनके निराकरण का प्रयास करता है। अब ये क्या करता है, बाद में हालांकि इसके सुधार जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, जैसे यहाँ पर पहली बात अगर हम बात करें, उस समय सती प्रथा प्रचलित थी तो इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर करें, बाल विवाह का प्रचलन था तो बाल विवाह पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। दहेज का प्रचलन था तो अधिक दहेज लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और यहां पर प्रतिबंध जो अंतरजातीय विवाह थे या विधवा विवाह था, ये अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को इसने प्रोत्साहन दिया। ये काम किए गए जो इसके द्वारा किए गए अच्छे कामों में थे, क्योंकि सती प्रथा, बाल विवाह और ये अधिक दहेज पर प्रतिबंध लगाया और साथ ही अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को इसने बढ़ावा दिया। अब अगर हम समराइज कर लें कि जो राजपूत नीति का इसने अनुसरण किया फिर उसका क्रियान्वयन किया, तो ये राजपूत नीति का अनुसरण और क्रियान्वयन करने के बाद क्या परिणाम हमारे समक्ष आते हैं। हालांकि इतिहास जानता है कि उसकी ये नीति उसके लिए सकारात्मक रही, सफल रही और एक उसकी अच्छी सोच का परिचायक रही। अब अगर वो राजपूत नीति का अनुसरण नहीं करता तो उसे क्या करना पड़ता, जो लगातार इससे राजपूतों से युद्ध करना पड़ता। दूसरी बात, राजपूतों की दृष्टि से अगर हम बात करें, जो राजपूत राजा हैं वो राजपूत राजा पिछले 350 वर्षों से लगातार तुर्कों से और अफगानों से जूझते रहे, उनसे युद्ध करते रहे। ठीक है, अब वो क्या हो गए, जब मुगलों को इन्होंने समर्थन दे दिया, ये मुगलों के केवल समर्थक ही थोड़े बने, यहाँ पर ये मुगलों के समर्थक नहीं बने बल्कि मुगलों के शासन फैलाने के एक साधन भी बन गए। ठीक है, अब ये क्या करता था, जो महत्वपूर्ण विजय होती थी उन महत्वपूर्ण विजयों में राजपूतों का इस्तेमाल करता था, राजपूतों को उन अभियानों को सौंपता था। और राजपूत चूंकि स्वामी भक्त व्यवहार से हैं और वो पूरी निष्ठा से यहाँ पर काम करते थे, तो
तो अगर हम बात करें, अगर ये राजपूत नीति को अकबर नहीं अपनाता तो जितना ये मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ वो मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाता, क्योंकि राजपूत उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, जिस वजह से इनमें परस्पर टकराव बना रहता। अब बात करें जो अकबर के शासन काल में जो सैनिक है और जो राजनीतिक स्थिति है, जो प्रशासनिक स्थिति है, इन सब में बहुत ही कलात्मक तरीके से परिवर्तन हुए, और ये कलात्मक परिवर्तन ही उस समय की उन्नति का, यानी कि कला के क्षेत्र में उन्नति का परिचायक थे। तो अगर परिणाम अगर हम देखें तो परिणाम के अंतर्गत राजनीतिक परिणाम को ही पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या परिणाम रहे। तो पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिणाम की, अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझ लेते हैं कि जब ये नीति अपनाई गई तो इस नीति से किन किन पक्षों पर प्रभाव पड़ा। जैसे अभी हमने कहा राजनीतिक प्रभाव पड़ा, सैन्य या प्रशासनिक या आर्थिक पड़ा, तो क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा। अब देखिए जो राजपूत हैं, जब इसने मित्रता का हाथ इनकी ओर बढ़ाया है और राजपूतों ने मित्रता को स्वीकार कर लिया है, तो राजपूत अब मुगल सेना में भर्ती होने लगे। जब मुगल सेना में ये भर्ती होने लगे तो यहां पर सैनिक शक्ति में वृद्धि होने लगी। ठीक है, अब ये क्या काम करने लगा, जो ये मुगल सम्राट यानी कि अकबर है, ये पूर्व और सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में लेना चाहता था, और इसके बाद ये उन क्षेत्रों पर भी सफलता प्राप्त कर सका। ठीक है, फिर यहां पर क्या था कि मुस्लिम जो राज्य थे, मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के विरुद्ध भी इसने राजपूत राजाओं का प्रयोग किया, यानी कि मुस्लिम राज्यों को जीतना है तो भी राजपूत राजाओं का भी यहां पर प्रयोग किया गया। ठीक है, और अगर राजपूत राजाओं को जीतना है तो भी इसने अपने यहां राजपूत राजाओं का प्रयोग किया। तो राजनीतिक परिणाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नीति रही, और कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि राजपूतों की तलवार से राजपूतों का ही खून बहाया जाता था, क्योंकि इधर राजपूत स्वामी भक्त हैं और उधर उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आपस में राजपूत राजपूत ही लड़ने लग रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इसका एक ध्येय था कि जो अमीर विदेशी अमीर हैं उनकी शक्ति को नियंत्रित करना, तो इसने इनके माध्यम से अपने दरबार में विदेशी अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति को भी नियंत्रित किया। तो ये थे राजनीतिक परिणाम। अब बात करें सामाजिक परिणाम के अंतर्गत। सामाजिक परिणाम की अगर हम बात करें तो समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, जिसने क्या किया, इन्हें दूर करने का प्रयास किया। हिंदू और मुस्लिम इसके सामाजिक जो कार्य किए गए उसके माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए। हिंदू समाज में जो जैसे सती प्रथा, अभी हमने पढ़ा सती प्रथा था, बाल विवाह था, ये इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। और जो हिंदू समाज में कुछ रीति रिवाज थे, इसने उनको भी अपनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनका अनुसरण प्रारंभ कर दिया, रीति रिवाजों को ग्रहण कर दिया, और हिंदुओं के प्रति इसने अपनी उदार नीति का परिचय दिया। तो बहुत सामाजिक दृष्टि से बात करें तो हिंदुओं के प्रति और हिंदू समाज में और हिंदू मुस्लिम के बीच मित्रता के पक्ष में इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। अब बात करते हैं धार्मिक परिणाम की। धार्मिक परिणाम के अंतर्गत क्या हुआ, इसने क्या किया, सहिष्णुता की नीति यहां पर अपनाई। ठीक है, सहिष्णुता की नीति का ये अनुसरण करता है। इसने क्या काम किया, हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाना बंद कर दिया, मूर्तियों को तुड़वाना बंद कर दिया, बल्कि इसने क्या कर दिया, मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान करनी शुरू कर दी। हिंदुओं को अनुमति मिलने लगी कि वे मंदिर बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसने क्या काम किया, उस समय हिंदुओं ने मथुरा में बहुत सारे मंदिर बनवाए, वृंदावन में गोविंद देव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बनवाया, जजिया कर या अन्य करों से हिंदुओं को मुक्त कर दिया। तो ये इसके धार्मिक परिणाम हुए जो कि सकारात्मक रहे। अब इसके बाद बात करें आर्थिक परिणामों की। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत क्या हुआ, इसकी उदार नीति की वजह से ही आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हुई।
आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक क्षेत्र में विस्तार होता है और इस विस्तार के लिए हिंदुओं और राजपूतों के सहयोग से यहाँ पर इसे शासन प्रबंधन में सहायता मिलती है। शासन प्रबंधन में राजपूतों के जो अनुभव हैं या राजपूतों के तरीके हैं उनसे भी यहाँ पर ये अपना शासन प्रबंधन करता है, क्योंकि सेनापति बनाए जाते हैं जो राजपूत हैं। और देश के व्यापार में बात करें तो बहुत उन्नति होती है, देश के वाणिज्य की बात करें तो बहुत उन्नति होती है। और हम पहले ही बोल चुके इसी क्रम में जो टोडरमल है, टोडरमल के द्वारा जो भूमि सुधार किया गया था, वो भूमि सुधार यानी कि जब भी भूमि सुधार की बात होगी तो इतिहास में टोडरमल द्वारा किए गए भूमि सुधार की जरूर बात होगी। तो इतना सब काम आर्थिक दृष्टि से जो परिणाम देखें, ये महत्वपूर्ण कार्य उस समय किए गए थे। अगली बात करें सांस्कृतिक की, जब यहाँ पर हिंदुओं के प्रति फिर से बात करेंगे कि उदार नीति का अनुसरण किया गया, तो उस उदार नीति के अंतर्गत यहाँ पर मंदिरों को तोड़वाना बंद कर दिया, बल्कि नई मंदिरों को यहाँ पर बनाने की अनुमति मिलने लगी। दरबार में हिंदी और संस्कृत को प्रश्रय मिलने लगा, आश्रय मिलने लगा, ठीक है। हिंदू फारसी सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं और हिंदू वास्तुकला का एक बार फिर से विकास होता है। अब राजपूत राजाओं की यहाँ पर बात करें, उनके उस इस टाइम पीरियड में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया गया था राजपूतों के द्वारा, ठीक है, जिनमें जैसे आमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, मोरछा है, जोधपुर है, ओरछा है। इनमें क्या हुआ, जो इमारतें, दुर्ग या महल निर्मित किए गए हैं, तो ये जो राजाओं के द्वारा निर्मित महल हैं बहुत ही दर्शनीय हैं, बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। और इसमें हिंदू और मुस्लिम इमारतों में हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का जो सम्मिश्रण है देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदुओं को अनुमति मिल गई है लेकिन साम्राज्य मुगलों का है, तो यहाँ मिली जुली संस्कृति का एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो था राजपूत नीति अपनाने के क्या कारण थे, राजपूत नीति को क्रियान्वित किस तरीके से उसने किया और राजपूत नीति के जो अनुसरण किया गया उसके क्या परिणाम निकल के आए। अब हम बात कर लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति की। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके अंतर्गत, ये अकबर जब है एकांत में बैठता है तो जीवन के जो रहस्य हैं उन रहस्यों के विषय में घंटों सोचता है। कारण यह है कि इसका जो बचपन से जो सानिध्य मिला है जिन लोगों का, वो लोग उदार व्यवहार के हैं, व्यापक विचारों के हैं, जिसका असर इस पे बचपन से ही पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है शुरू से ही जो उदार हैं, सहिष्णु हैं और जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में एक्सपर्ट हैं। ये इन सब बातों का उसके धार्मिक विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी के अंतर्गत अगर प्रभाव की हम बात करें, सबसे पहले प्रभाव की हम बात करते हैं कि उसका पैतृक प्रभाव जो है वो कैसे। अकबर का जो पिता है यानी कि हुमायूं और जो दादा है यानी कि बाबर, दोनों क्या है, कट्टर सुन्नी थे, ठीक है, लेकिन स्वभाव उदार था। क्योंकि अकबर की जो माँ थी हमीदा बानो बेगम, वो हमीदा बानो बेगम थी शिया। तो इसमें शुरुआत से ही ये स्वभाव जो उदारता का लेके आया वो बचपन से लेके आया, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी है और माँ शिया है, तो जाहिर सी बात है पैतृक विचारों का प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। दूसरी हम बात करें शिक्षकों की और संरक्षकों की। शिक्षकों और संरक्षकों का प्रभाव, किसी भी बालक के जीवन में जो शिक्षक होते हैं वो उसके लिए आदर्श होते हैं, ठीक। अब क्या होता है, जो शिक्षकों ने इसे शिक्षा दी है उसमें शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। अब जैसे अब्दुल लतीफ हैं वो शिया थे और इधर वयाजत खान थे, मुनीम खान थे, ये क्या थे, सुन्नी थे। उधर बैरम खां है वो यहाँ पर शिया थे। तो इन सब के जो शिया और सुन्नियों के संरक्षण में रहता है, लेकिन ये देखता है कि ये सभी उदार नीति के
यानी कि उदार व्यवहार का अनुसरण करते हैं, तो अपने शिक्षकों के इस व्यवहार का प्रभाव उस पे बचपन से ही पड़ता है। फिर ये क्या होता है, जैसे जैसे ये राजपूतों के संपर्क में आता है, तो राजपूतों के संपर्क में आने के बाद जो इसका धार्मिक प्रभाव की हम बात करें, राजपूतों के संपर्क ने इसको बहुत परिवर्तित किया, क्योंकि जब इसने हिंदू लड़कियों से, कन्याओं से, राजकुमारियों से विवाह किया, तो इसके जो हरम है उस हरम में हिंदू धर्म का ही वो पालन करती थी, और जो वो हिंदू रानियां हैं उन हिंदू रानियों के रीति रिवाजों का इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उधर क्या होता है, जो मुल्ला है, मौलवी है, ये मुल्ला मौलवियों के प्रति इसका व्यवहार प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, ये जो मुल्ला और मौलवी हैं इस्लाम के कट्टर संकीर्ण विचारों से ये क्या कहना चाहिए, डूबे हुए हैं उसमें, यानी कि इनमें कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई है। कई बार ये इस्लाम की बातों पर ही या इन कट्टरता संबंधी बातों पर आपस में इतना झगड़ते हैं, गाली गलौच भी करते हैं, तो जिस बात से ये इसका मन इनके प्रति खिन्न हो जाता है, और कई बार तो मुल्ला मौलवी आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को मूर्ख कहने लगते हैं, एक दूसरे को काफिर कहने लगते हैं, तो ये व्यवहार जो होता है अकबर को बहुत ज्यादा दुखी करता है, तो इसे नहीं पसंद आती है मुल्ला और मौलवियों की जो धार्मिक कट्टरता है, और इसलिए इनके प्रति इसके मन में कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भाव की कमी प्रारंभ हो जाती है। फिर बात करें जो अलग अलग धर्म के आचार्य हैं उनका प्रभाव इस पर पड़ता है। जैसे हिंदू आचार्यों में हम बात करें पुरुषोत्तम, देवा, और जैन आचार्यों में अगर हम बात करें तो जैन आचार्यों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जैन आचार्यों में इसका प्रभाव पड़ता है विजय सेन सूरी, उधर जय सीमा उपाध्याय, तो ये जैन जो आचार्य हैं उनका प्रभाव इस पर पड़ता है। इसी के साथ साथ पारसियों ने भी इसे बहुत प्रभावित किया है, उनमें दस्तूर महायार राणा है, उसका प्रभाव बहुत इस पर पड़ता है, और उधर सिख और ईसाई धर्म के जो धर्माचार्य हैं वो भी इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर अकबर जो है इबादत खाने का यहाँ पर एक निर्माण कराता है, इस इबादत खाना यानी कि जिसे पूजा गृह कहा जाता है, इस इबादत खाने में वाद विवाद होता है और इसका निर्माण कराया जाता है इबादत खाने का फतेहपुर सीकरी में। ये अलग अलग धर्मों के लोगों को यहाँ पर भाग लेने के लिए बुलाता है, और ये सोचता है कि अगर सभी धर्मों में बुद्धिमान लोग हैं, स्वतंत्र विचारक हैं और सभी धर्म सत्य की बात करते हैं, तो ये समझना तो हमारी भूल है कि सच्चाई केवल इस्लाम में है, यानी कि सभी धर्मों में सच्चाई है। अब बात करें इसकी अगली जो धार्मिक नीति है उसके अंतर्गत, इसके कारण थे राजनीतिक, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धार्मिक विचारों से ओतप्रोत हो जाता है, उदार बन जाता है और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है जो बहुत ही ज्यादा विशाल हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी था कि वो राजपूतों का सहयोग प्राप्त करे, हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करे, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति का इसने अनुसरण किया। तो राजनीतिक कारण भी थे जो धार्मिक नीति का इसने अनुसरण किया उसके पीछे। उस समय क्या हो रहे थे, धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, उन धार्मिक आंदोलनों का भी इसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा। धार्मिक जागरण चल रहा था, धार्मिक जागरण आंदोलन चल रहे थे, जो अलग अलग धर्म के अनुयायी थे वो इस बात के विषय में बताते थे कि जो बाह्य आडंबर हैं या जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए और शिक्षा दी जाए प्रेम की, उदारता की, सद्भावना की, समभाव की और आपसी सहयोग की। तो इन बातों ने इसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इस धार्मिक आंदोलन की जो उस समय आडंबर थे, उन आडंबरों के प्रति जो मनाही थी, इन चीजों ने बहुत इस चीज को, इसको प्रभावित किया। अब अगर हम बात कर लें कि जो धार्मिक नीति इसके अंतर्गत थी, जो विंसेंट हैं उनके अनुसार, यानी कि विंसेंट स्मिथ हैं, विंसेंट स्मिथ के अनुसार कहा गया है कि अगर हम इसके काल को देखें,
इसके धार्मिक नीति के काल को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक काल हम मान सकते हैं 1556 से लेके 1575 तक का, ठीक है। दूसरा काल हम मान सकते हैं 1575 से लेके 1582 तक का, और इसके बाद का यानी कि 1582 से लेके 1601 तक का जो 1605 तक का जो काल है वो हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ पर करते हैं 1556 से 1575 की। ये वो स्थिति है या ये वो काल है जब ये कट्टर मुस्लिम है, पांच टाइम की नमाज पढ़ता है, याहू या हादी एक मुसलमानी ढंग से इसका उच्चारण करता है, उच्च स्वर में इसका पाठ करता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता है और मुसलमान और उलेमाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करता है। जो भी उसके उनके द्वारा कह दिया जाता है ये उनका उल्लंघन नहीं करता है, यानी कि अक्षरशः पालन करने का प्रयास करता है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है वो 56 से लेके 75 तक का होता है। उसके बाद क्या होता है, 75 से अगर 82 की अब हम बात करें, इसका ध्यान जाता है अन्य धर्मों की ओर। ये जैसे फतेहपुर सीकरी में 1575 की बात है, फतेहपुर सीकरी में ये इबादत खाने का यहाँ पर वाद विवाद के लिए यानी कि धार्मिक वाद विवाद के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाता है, बल्कि सभी धर्मों के जो विचारक होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ पर जैसे मखदूम उल मुल्क हैं, शेख अब्दुल नबी हैं जो इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं इस्लाम धर्म शास्त्र के सैद्धांतिक नियमों पर या प्रश्नों पर। अब एक बार बात करें यहाँ पर अकबर अपनी वर्षगांठ के यानी कि जन्मदिन के अवसर पर क्या होता है, केसरिया वस्त्र धारण करता है और केसरिया वस्त्र धारण करके वो पहुंच जाता है शेख अब्दुल नबी के पास, ठीक है, उनसे मिलने पहुंच जाता है। अब शेख अब्दुल नबी जब देखते हैं कि जो अकबर ने वेशभूषा पहनी है वो वेशभूषा में भारतीयता यानी कि हिंदू प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इस बात से शेख बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो इतने उतावलेपन में अपनी छड़ी उठाता है कि वो छड़ी अकबर को लग जाती है। तो इस बात से अकबर बड़ा खिन्न होता है कि वस्त्रों से धार्मिक अनुसरण कब से होने लगा। तो यहां पर उसके मन में इस्लाम के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। अब इसके बाद से वो अनुमति देता है इबादत खाने में, सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित करता है और सभी धर्मों के का तुलनात्मक अध्ययन करने का यहाँ पर उसे एक अवसर भी प्राप्त होता है। जैसे बात करें इसी क्रम की, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर हिंदू धर्म की, ठीक है। हिंदू धर्म में जैसे पुरुषोत्तम है और देवा है, ये पुरुषोत्तम और देवा यहाँ पर क्या काम करते हैं, अकबर को हिंदू धर्म के जो रहस्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और ये प्रभावित भी हो जाता है। और अकबर इतना प्रभावित हो जाता है कि वो हिंदुओं की तरह यहाँ पर वस्त्र भी धारण करने लगता है, टीका लगाने लगता है, चंदन का माला पहनने लगता है। और बल्कि इसने क्या काम किया था कि जब इसकी माँ की मृत्यु हुई थी, इसने हिंदुओं की तरह ही अपना मुंडन भी करवाया था। तो इतना प्रभाव पड़ता है इसे इस पर हिंदू धर्म का। उधर बात करें अगर जैन धर्म के प्रभाव की, क्योंकि उस समय इबादत खाने में सभी लोग आते थे, सभी धर्म के अनुयायियों को यहाँ पर आने की अनुमति हो गई थी। जैसे यहाँ पर जैन धर्म के आचार्य हैं जिसमें हमने बात की थी किनकी, हीर विजय की, ठीक है। हीर विजय सूरी थे और भानुचंद्र थे, जय सोमा थे, तो इन लोगों की, या विजय सेन थे, तो इन लोगों के भी जो विचार थे, जैन धर्म के जो विचार थे, इन लोगों के माध्यम से अकबर कर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और इतना प्रभाव डालते हैं कि इसने शिकार करना बंद कर दिया और मांस खाना बंद कर दिया। और लगभग पूरे साल के अगर आधे दिनों की अगर हम बात करें तो इसने पक्षियों की या जानवरों की हत्या को भी बंद करवा दिया था। तो इतना प्रभाव पड़ा था इस पर जैन धर्म का। बात करें पारसी की, पारसी धर्म के प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पारसी धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था वो ज्ञान प्राप्त किया था दस्तूर महायार राणा के द्वारा, ठीक है। दस्तूर महायार जी राणा के द्वारा यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब यहाँ से ज्ञान प्राप्ति इसे हो जाती है, पारसी धर्म से प्रभावित हो जाता है, तो ये अग्नि सूर्य अग्नि की, सूर्य की और प्रकाश के प्रति पूजा का भाव प्रारंभ कर देता है।
और सूर्य की उपासना करना शुरू कर देता है और पारसी धर्म के प्रभाव में आकर ही ये दरबार में लगातार अग्नि जलते रहने का एक आज्ञा भी दे देता है कि अग्नि जलती रहे दरबार में हर समय। तो ये पारसी धर्म का इस पर प्रभाव पड़ता है। बात करें ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और ये गिरजाघरों की अनुमति देना प्रारंभ कर देता है। जैसे आगरा और लाहौर में गिरजाघरों का निर्माण करवाया भी जाता है, यहाँ पर ये अनुमति दे देता है ईसाइयों को कि हिंदू और मुस्लिमों को वो ईसाई धर्म में दीक्षित कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, पादरियों के द्वारा मोहम्मद साहब को अपशब्द कह दिए जाते हैं, जिस बात से ये उन पादरियों के प्रति या ईसाई धर्म के प्रति इसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है और ये उन्हें अच्छा नहीं मानता है। फिर अगले क्रम में बात करें सिख धर्म की, सिख धर्म के जो धर्म गुरु हैं या जो उसके अनुयायी हैं उनका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि सिख गुरुओं की प्रार्थना पर एक बार इसने एक वर्ष का पंजाब का कर भी माफ कर दिया था। तो ये है यहां पर इसके द्वारा जो प्रभाव पड़े उनकी। यहाँ पर एक चीज और है जो ध्यान आ रही है, बताते हैं उसके विषय में भी। इसने क्या काम किया था, इमाम आदिल का पद धारण करने का प्रयास किया था, यानी कि इमाम आदिल। इमाम आदिल क्या है, इबादत खाना है, वहां पर धार्मिक वाद विवाद चल रहा होता है, तो ये निश्चय करता है इमाम आदिल बनने का। अब 16 जून 1579 की बात है कि फतेहपुर सीकरी में जो मस्जिद है, ये उसकी जो बाउंड्री बनी होती है उस पर चढ़ता है और जो जिसे क्या बोलते हैं वेदी, उस पर चढ़ता है और फैजी की कविता को के रूप में जो खुतवा लिखा हुआ होता है ये उसको वहां पर पढ़ता है। ठीक है, खुतवा क्या होता है ये जान लेते हैं। खुतवा एक तरीके का प्रवचन होता है, जो शुक्रवार की जो जुहर होती है या जो सामूहिक नमाज होती है उस समय या ईद उल फितर पर, ईद उल जुहा के अवसर पर ये खुतबा पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें ईश्वर की वंदना होती है, मोहम्मद साहब और उनके परिवार के प्रति शुभकामनाएं होती हैं और उस समकालीन राजा का भी या बादशाह का भी उल्लेख होता है। और जो व्यक्ति खुतबा पढ़ लेता है या पढ़वा देता है उस व्यक्ति को विद्रोही समझा जाता है। यदि किसी राज्य के किसी प्रदेश में कोई अन्य व्यक्ति अपने नाम का खुतवा पढ़वा ले तो अब उसे क्या समझा जाएगा, विद्रोही समझा जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या करता है, मस्जिद की जो बाउंड्री है वेदी है उस पर चढ़ता है और फैजी के द्वारा जो कविता में रचित खुतवा है उसे पढ़ता है। और यहां पर अबुल फजल एक अधिकार पत्र जिसे बोला जाता है मजहर, उसको यहां पर तैयार करता है जिसमें जितने इस्लामिक नेता होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। इसमें शेख मुबारक के अलावा मखदूमुल मुल्क के शेख अब्दुल नबी, इन लोगों के भी हस्ताक्षर होते हैं। तो इसके अधिकार पत्र के अंतर्गत, यानी कि जो महजर है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बादशाह है, ठीक है, वो बादशाह इस्लामी संबंधी वाद विवादों में सर्वोपरि हो जाएगा, ये इसमें महजर में लिखा हुआ होता है। अब कुरान के अनुसार ये जो बादशाह है नए नियम बना सकता है, नया प्रतिपादन कर सकता है, लेकिन जो कट्टर मुस्लिम है उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो इस चीज को विद्रोह की आवाज उठाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो अकबर भी यहाँ पर निश्चय करता है कि जो उसने यहाँ पर ये शुरू किया है वो अपनी बात पर अडिग रहता है। लेकिन स्मित का यहाँ पर एक कथन आता है इससे संबंधित, स्मित का कथन आता है कि इसके माध्यम से अकबर स्वयं पैगंबर बनना चाहता था और हेग ये कहते हैं कि वो पोप और राजा दोनों ही बन गया। तो ये तो थी अकबर की जो धार्मिक नीतियों का अनुसरण किया गया 1556 से और 1575 के बीच पहले चरण में, और दूसरे चरण में 1575 से लेके 1582 तक। ठीक है, अभी बचा है तीसरा चरण, यानी कि 1582 से 1605 तक किस तरीके की नीतियों का इसके द्वारा अनुसरण किया गया। इसने दीन इलाही यहां पर धर्म चलाया, उस दीन इलाही धर्म के अंतर्गत
क्या क्या नियम रखे गए, क्या क्या सिद्धांत रखे गए, इनके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे, यानी कि दीने इलाही, उसके कितने सदस्य थे, किन किन लोगों ने ग्रहण किया, दीने इलाही की आलोचना के संबंध में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे हम अकबर की शासन व्यवस्था के संबंध में। हमें पूरी अपेक्षा है कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि हमारे लिए आपको लगता है कोई उचित सुझाव है तो आप, हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमें सुझाव भी दें, और आप लगातार साथ बने रहिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।